नई दिल्ली के फेडरेशन ऑफ आरडब्ल्यू के कार्यक्रम में आज भाजपा दिल्ली प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आरडब्ल्यूए की समस्या सुनी और कहा कि दिल्ली में जब तक अलग अलग एजेंसियां हैं तब तक समस्या रहेगी और आरडब्ल्यूए के कार्यक्रम में 24 तारीख को होने वाले मेयर पद के चुनाव को लेकर दावा किया है कि मेयर भाजपा का ही बनेगा। साथ ही दिल्ली के मुख्यमंत्री पर आरोप लगाते हुए कहा है कि उनके पार्षद गुंडों और गुंडागर्दी करने से रोकें और पार्षद अपनी आत्मनिर्भर की आवाज को वोट देंगे और भाजपा को मेयर बनाएंगे। आपको बता दें नई दिल्ली आरडब्ल्यू के अध्यक्ष अजय अश्वनी ने कहा कि हम अपनी समस्याओं को हर अलग अलग राजनीतिक लोगों को बुलाते रहते हैं और आज दिल्ली भाजपा प्रदेश अध्यक्ष को अपनी समस्या से अवगत कराया। अलग अलग एजेंसियां होने के चलते विकास कार्यों में काफी समस्या का सामना करना पड़ता है। किसी के पास बजट बहुत ज्यादा है, किसी एजेंसी के पास कम है, इसलिए समस्या का सामना करना पड़ा। बहरहाल अब देखना होगा जिस तरीके से जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहा गया वो कितना सच होगा, ये तो 24 जनवरी को पता चलेगा। आरसो न्यूज की तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और ताजा दिन खबरों को पढ़ने के लिए हमारी वेबसाइट पर विजिट करें। आरसो न्यूज के लिए कैमरामैन अंकित के साथ मेहनाज अंसारी की रिपोर्ट। ऐसी कितनी ऐसी समस्याएं हैं कि जिनका निवारण करना बहुत जरूरी है और इसीलिए आज आरडब्ल्यूएस के बीच में सचदेवा साहब आए हैं और जो वो अपनी तरफ से कर सकेंगे बेस्ट, हमारे को तो मालूम है कि एफर्ट से ही काम होगा, एश्योरेंस और प्रॉमिस से कभी काम नहीं होता। कोई आदमी कोशिश करता है तो कहीं ना कहीं उसका रिजल्ट दिखाई देता है। राधिका ने कई चीजों में कोशिश करी हमारे साथ लग के, कई चीजों में रिजल्ट हमारे पास आया भी उस समय, लेकिन उसके अलावा इतनी सारी समस्या थी कि उसका रिजल्ट निकल ही नहीं पाता था क्योंकि ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स बहुत है। कीमती समय में से निकाल के उन्होंने हमें टाइम दिया है तो पहले मैं अपना जो भी खड़ा करके इस तरह से आप समझो कि सिस्टम को बदनाम करना ये ठीक नहीं है, लेकिन आरडब्ल्यू की अपनी प्रॉब्लम है, उसमें लॉ एंड ऑर्डर भी है। जो चीजें एज ए बीजेपी प्रेसिडेंट मैं कर सकता हूँ, मैं बीजेपी प्रेसिडेंट आज हूँ, घटना भी है, आज नहीं हटूंगा, 15 दिन बाद या 2 साल जितना भी टर्म होगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन एज ए आरडब्ल्यू, क्योंकि मैं भी आरडब्ल्यू में प्रेसिडेंट रहा हूँ, मैंने उस तकलीफों को देखा है, सहा है, महसूस भी किया है। आपकी हर समस्या के लिए लड़ना, उसके लिए आवाज उठाना और उसको समाधान तक पहुंचाना ये मेरा काम है, इसके लिए मैं आपको अश्योर करता हूं। थ्री टू 2 घंटे डेली 14-15 हमारा ऑफिस है, कोई अपॉइंटमेंट नहीं चाहिए आपको, किसी को कुछ नहीं चाहिए, किसी को भी आना है आपका मैं स्वागत करूंगा, साथ बैठ के चाय पीएंगे, कोई भी प्रॉब्लम होगी उसको डिस्कस करेंगे, किस लेवल तक लेके जाना है। आप लोगों ने आज इतने प्यार से मुझे बुलाया है, लेकिन मैंने पहले निवेदन किया विवेक से भी कि मेरे आज लगातार संडे के कारण कार्यक्रम बहुत होते हैं, अभी मैं 5वां जगह पहुंचा और अभी लगभग 7-8 जगह हो रहे हैं तो निकलना होगा, लेकिन आप लोगों के साथ दोबारा आए, सजेशन दें वो करते हैं। और अभी कई सारी चीजें हम लोगों के लिए आसान नहीं होता सुनना, नजफगढ़ ड्रेन 20-20 साल हो गए हैं, 758 एकड़ जमीन है, रास्ता गांव है नजफगढ़ में, 20 साल से पानी खड़ा है गुठरों तक और उस जमीन का टैक्स भी देना पड़ रहा है किसानों को, लेकिन वो पानी नहीं निकल रहा। और पिछले 3 महीनों में ड्रेन नंबर 8 है वो, उसकी सफाई का काम शुरू हुआ है, वहां उन्होंने बोटिंग करानी शुरू कर दी, उस पानी के निकासी का काम शुरू करना हमने प्रारंभ कर दिया, मैं 2-3 दिन में जाऊंगा भी वहां। तो ऐसे कई प्रोजेक्ट हैं जो हमारे एलजी साहब लेके धीरे धीरे कर रहे हैं, लेकिन ठीक है सिस्टम है, उस सिस्टम को कंट्रोल करने की कोशिश करते तो दूसरे को तकलीफ होती है। अगर ये पूछ लिया कि भाई आपके टीचर विदेश जा रहे हैं और उसमें कितना एक्सपेंडिचर आ रहा है, उसका ऑडिट कर लिया, क्या गुनाह कर दिया जी? आप भी तो धंधा करते हैं ना, आप भी तो लो कॉस्ट वैल्यू देखते हैं कि किसमें मेरा पैसा बचे और हम अच्छा रिजल्ट ले आए। तो अगर दिल्ली का जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है वो पूछ रहा है तो उसमें क्या गुनाह है? अगर आप ठीक हो तो जवाब दीजिए, लेकिन आप जवाब भी देंगे। आप लोगों ने सबने वीडियो देखा, हम में से कोई भी इस हक में नहीं है कि किसी भी महिला, किसी भी बहन, किसी के साथ, बेटी के साथ बदतमीजी हो, लेकिन आप पूरी टीम 9 लोगों की लेके चलेंगी, साथ में स्टिंग ऑपरेशन करेंगी और कहने की मुझे 15 मीटर घसीटा गया, सबने वीडियो देखा है, एक कदम नहीं चली है।
मैं अगर अजय भाई से पूछता हूँ, आप तो एडवोकेट हैं, आप गाड़ी चला रहे हैं, आपको कोई रोक, आपने ईमानदारी से वैसे ही पूछा कि आपको कोई हेल्प तो नहीं चाहिए, और कोई आके आपसे गाड़ी की चाबी खींचने लगे, आप सबसे पहले क्या करेंगे? अब सबसे पहले गाड़ी का शीशा बंद करेंगे, भागेंगे, पता नहीं मेरे साथ क्या करने वाला है। मैं उस ड्राइवर को जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ, शराब पीना गाड़ी चलाना गलत बात है, उसको जो कानून सजा देता है देनी चाहिए। आप रात को 2:30 बजे इंसिडेंट होता है, उससे 15 मिनट पहले तक पेट्रोलियम जो पेट्रोलिंग कर रही पुलिस आपसे आके पूछती है कि मैडम आपके अपने कोई दिक्कत तो नहीं है? आप कह रहे हैं मुझे कोई समस्या नहीं है, और 10 मिनट बाद आप खुद जाके पूरे सीन को क्रिएट कर रही हैं। और उसके बाद चलिए मैं कर भी दिया, आपने दिखाना भी था, आप मुझे इतना बता दीजिए कि रात के 2:30 बजे का इंसिडेंट आपको दोपहर के 2 बजे ट्वीट करने में कहां से डायरेक्शन देंगे कि क्या लिखना है? हम लोग मैसेज एक बार इसका नेता मत लेना, अच्छे बुरे सब है, हम लोग दिल्ली पुलिस को जितनी मर्जी गालियां दें, लेकिन जब भी कोई एक खाकी वाला खड़ा होता है तो हमें सुरक्षा का भाव दिखाई देता है। इसलिए हम अपने बच्चों को, मैं जितने लोग कह रहा हूँ खुद समेत, हम अपने बच्चों को बनाना तो वैसा चाहते हैं आइडियल, लेकिन 8 साल की उम्र में उसके हाथ में मोबाइल पकड़ा देते हैं, 10 साल की उम्र में उसको फैसिलिटी दे देते हैं। पीछे 14 साल का मेरा एक भतीजा है, स्कूटी लेके घुस गया, मैंने पूछा तुम्हें चलाई क्यों? देखिए RW फेडरेशन न्यू दिल्ली ने जो ये कार्यक्रम रखा है, पूरी साउथ दिल्ली की और नई दिल्ली की RW जहाँ इकट्ठी हैं, और RW के जो लोग हैं ना, ये कुछ चाहते नहीं हैं, ये अपने लिए कभी कुछ नहीं मांगते, ये सब पुराने ब्यूरोक्रेट पढ़े लिखे लोग सब लोग हैं जो समाज को सुधारना चाहते हैं, स्थितियों को ठीक करना चाहते हैं। तो हमारा भी काम है कि उनकी समस्याएँ सुनना और उनका निवारण हो, क्योंकि ये सब सेवा का काम कर रहे हैं, तो सेवा के काम में हम लोग भी भागीदार बने, ये उनकी भी अपेक्षा और हमारी भी कोशिश है। नरेंद्र जी, 24 तारीख को MCB में मेयर का चुनाव एक बार फिर से होगा, क्या लगता है? क्योंकि अभी आपने कहा था कि शायद इस बार, मैं अभी भी कह रहा हूँ कि हमने सभी पार्षदों से कहा है अंतरात्मा की आवाज़ पे वोट दें, लेकिन मैं चाहूँगा आपके माध्यम से कि अरविंद केजरीवाल अपने गुंडों को उस दिन गुंडाई करने से रोकें। क्या लगता है कि BJP अपना मेयर एक बार फिर जो है बना सकती है? मैंने अभी कहा ना कि अगर उनको कॉन्फिडेंस होता कि वो बना सकते हैं तो वो गुंडागर्दी नहीं करते। जिस दिन मेयर का नॉमिनेशन हुआ था, उन्होंने अपने 2 कैंडिडेट अनाउंस किए, मेयर का और डिप्टी मेयर का। क्या कारण था कि उन्हीं के 2 पार्टी के लोग अलग से जाके फॉर्म भरकर आए? अच्छा। चाहे उन्होंने विड्रॉ करा लिया, मेरा मानना यह है कि उस नॉमिनेशन के बाद से आम आदमी पार्टी के पार्षदों में 2 फाड़ हो गया, उसमें भारी टूट है, जिसका परिणाम को देखने को मिलेगा। 24 को आशा है जब परिणाम ये देखने को मिलेगा कि मेयर BJP का होगा। अगर आम आदमी पार्टी गुंडाई नहीं करती तो परिणाम सुखद होंगे। तो आपको लगता है कि इस बार भी गुंडागर्दी नहीं करेगी आम आदमी? हमने तो निवेदन किया है वहाँ के सब उदासीन अधिकारी से भी और LG साहब से भी कि वहाँ व्यवस्था ठीक हो, उनको गुंडागर्दी करने का मौका ना मिले। सर, यहाँ जो RW की समस्या को लेकर BJP सरकार में नहीं, आम आदमी पार्टी और MCD में भी एक तरह से अभी समस्याओं को कैसे BJP जनता की आवाज़ है, उसके लिए सरकार का होना ज़रूरी नहीं है। हमारे 105 पार्षद है, वो 134 पर बहुत भारी, हम काम कराना जानते हैं। और मेयर भी अब लगता है BJP की, मैंने अभी कहा हमने अंतरात्मा की आवाज़ पे वोट देने के लिए कहा है, तो वो अनुभव को हमारे शासन को वोट देंगे तो मेयर भी बनेगा। आज मीटिंग थी सर, उसके बारे में जरा ब्रीफ करें। ये मीटिंग ज़्यादातर जो RW की समस्याएं होती हैं, ये एक हमारी फेडरेशन है जो काफ़ी पुरानी फेडरेशन है, हम इसमें लगातार कोई ना कोई समस्याएं उठाते रहते हैं, और अलग अलग फोरम से लोग, पार्टी से भी लोग आते रहे हैं, और हम अपनी प्रॉब्लम्स को पूरी कोशिश करते हैं कहीं ना कहीं सिरे चढ़ाएँ, उसका सॉल्यूशन करें। सर, जो RW की मेन प्रॉब्लम है होती है, उसमें काफ़ी दिक्कतें आती है, मल्टीपल यहाँ पर बहुत सारी संस्थाएं हैं, उसकी वजह से दिक्कत आती है, तो आप लोग क्या मांग करते हैं? देखिए, सबसे पहली मांग तो हमारी ये है कि तीनों फंड्स जो हैं NDMC, CPWD और MCD को कंसोलिडेट करके एक फ़ंड करें। अब NDMC के पास एशिया का सबसे बड़ा बजट है, MCD का एरिया इतना लार्ज है उसका बजट कम है, CPWD का अलग बजट है, और सबको समस्याएं दिल्ली की सॉल्व करनी है। जब दिल्ली की समस्या सॉल्व करनी है तो बजट एक क्यों नहीं, बजट अलग अलग क्यों है वहाँ पर? अब NDMC के पास इतना बजट है, MCD कहता है हमारे पास उतना बजट नहीं है जितना बजट हमारे को चाहिए होता है। तो अगर ढंग से इसको सोचा जाए और इसके बारे में कोई अच्छी चीज़ निकले, पहले बजट एक करके, और अल्टीमेट गोल क्या है, पूरी दिल्ली को ठीक करना है ना, तो दिल्ली को ठीक करने के लिए बजट तो चाहिए, तो अलग अलग बजट क्यों है, एक एक क्यों नहीं, ये संस्थाएँ तीन क्यों हैं यहाँ पर? आज BJP के अध्यक्ष उनसे पॉजिटिव रहा, क्योंकि हम इनको जानते हैं कि वो ग्राउंड रियलिटी से जुड़े हुए इंसान हैं,
वो ज़मीन से जुड़े हैं। आज उन्होंने बताया भी जैसे RW के प्रेसिडेंट रहे हैं तो उनको सारी RW की प्रॉब्लम से पूरी तरह अवगत थे और वो जानते थे कि किस तरह इसका हल होता है। और हमारे को ये मालूम है कि हमारी कम से कम आवाज़ ऊपर तक उठा सकते हैं। अगर हम कुछ इसके अंदर आंदोलन खड़ा करें तो आंदोलन का नेतृत्व भी हम चाहें तो अगर वो करना चाहें तो करें, क्योंकि लेकिन बेसिकली होना चाहिए प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए। आज कितने RW नहीं, ऐसे तो खैर मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन कम से कम आप लगा लीजिए पहाड़गंज से भी RW थी, सफदे इंक्लेव से थी, ग्रीन पार्क से थी, ईस्ट ऑफ कैलाश, ग्रेटर कैलाश, ऐसे बहुत सी RW थी, मोहम्मदपुर गाँव, अर्जुन नगर, कृष्णा नगर, हर अपने तरफ से तो हमारा पूरा प्रयास था बंगाली मार्केट से कि हर जगह से ज़्यादा लोग आएँ RW को और अपनी अपनी समस्याओं का निवारण करने का प्रयास करें। तो समझते सर।